बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार के नाम से मशहूर दीवानगत अदाकारा श्रीदेवी की बेटी फिल्मों में एंट्री करने को तैयार हैं। जाह्नवी की पहली फिल्म धड़क का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। फैंस एक्ट्रेस को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए एक्साइटेड हैं। बेटी की डेब्यू फिल्म के लिए श्रीदेवी भी उत्साहित थी, लेकिन जाह्नवी को पर्दे पर देखने का उनका सपना अधूरा ही रह गया। जहां श्रीदेवी ने महज 4 साल की उम्र में पहले पर्दे पर करियर की शुरुआत कर दी थी, वहीं उनकी बेटी 21 साल की उम्र में फिल्मी पर्दे पर एंट्री करेगी। मां बेटी के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग और प्यार था। ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि जाह्नवी और श्रीदेवी के बॉलीवुड डेब्यू में समानता भी देखने को मिल रही है। माँ बेटी का बॉलीवुड फिल्म काफी हद तक एक जैसा है, आइए जानते हैं कैसे। जाह्नवी कपूर करण जौहर के बैनर तले बनी फिल्म धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। धड़क मराठी फिल्म सैर आठ का आधिकारिक हिंदी रीमेक है। श्रीदेवी ने वैसे तो 4 साल की उम्र से साउथ इंडियन फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनकी पहली हिंदी फिल्म 1972 में रानी मेरा नाम थी। दूसरी फिल्म थी जूली। दोनों ही फिल्मों में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल में काम किया था, लेकिन बतौर फीमेल लीड एक्ट्रेस श्रीदेवी ने 1979 में फिल्म सौवा सावन से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बेटी जाह्नवी की पहली हिंदी फिल्म की तरह श्रीदेवी की मूवी सौवा सावन फिर रीमेक ही थी। ये 1977 में तमिल फिल्म 16 वायथनील का रीमेक थी। इसके तमिल वर्जन में भी श्रीदेवी ने काम किया था। जब श्रीदेवी ने सौवा सावन की थी तब वे 16 साल की थी। वहीं जाह्नवी 21 साल की उम्र में अपना डेब्यू कर रही है। बता दें, श्रीदेवी ने अपने लंबे करियर में करीब 500 फिल्मों में काम किया था। वे भारतीय सिनेमा की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में शुमार हैं। उनकी बेटी जाह्नवी से भी फैंस की काफी उम्मीदें हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जाह्नवी फिल्मी दुनिया में अपनी माँ जैसी सफल हो पाएंगी या नहीं।